समर्थन जताने के लिए आए हैं। मैं बड़ा दुखी महसूस कर रहा हूँ। और सर देखो, कोई बात नहीं करने के लिए मैं नहीं आए हैं। मैं अपना समर्थन जताने के लिए आए हैं। मैं बड़ा दुखी महसूस कर रहा हूँ। और मैं ये मानता हूँ इन लोगों पर अन्याय हो रहे हैं, इन लोगों को विचार नहीं दिया जा रहे हैं, न्याय नहीं होते इन लोगों से। यही मेरा बड़ी चिंता के विषय है, दुख भी है, क्योंकि इन लोगों की बदौलत देश की जो आज की सत्ता, ये अपने सेलने में कभी कसर नहीं छोड़ते। सदन के अंदर भी इन्हीं लोगों की कामयाबी को लेकर हम टेबल थपथपाते रहते, जो हिंदुस्तान की नाम रोशन करते सारे दुनिया की मंच पे, उन लोगों को ना अनदेखी किए जा रहे हैं। इन लोगों के साथ जिस तरीके से उदासीनता दिखाए जा रहे हैं, जिस तरीके से इन लोगों को साथ बर्ताव किए जा रहे हैं, मैं इसमें दुखी हूँ। साथ साथ घोर निंदा भी करता हूँ। घोर निंदा इसलिए करते हैं कि ये ओवरसाइट कमेटी के बारे में जो कहे जाते हैं, मुझे लगता है ये ओवरसाइट कमेटी नहीं, ये ओवर हाइट कमेटी, मतलब सच्चाई को छुपाने के लिए एक कमेटी बनाए गए हैं। और ये दिन पे दिन इसको टालने की हर संभव प्रयास किया जा रहे हैं। ये मुद्दा को टालने के लिए आज की सरकार उनकी ताकत झोंक दी है, क्योंकि ये सरकार नहीं चाहते ये पहलवान किसी हालत में जीत जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि जिनको लेकर हम गर्व महसूस करते हैं, उन लोग आज खाली आसमान की तले ये चिलचिलाते गर्मी के मौसम में इस तरीके की संघर्ष फिर दोबारा करना पड़ते। एक तो मतलब दुनिया की मंच पे संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं हमारा कामयाबी हासिल करने के लिए, और यहाँ उनकी अपना मांग पूरा करने के लिए उनको संघर्ष यहाँ भी करना पड़ते, ये बड़ा दुख की बात है। चलिए साहब, राहुल गांधी जी अभी तक पहलवानों के सपोर्ट में नहीं आए, क्या कहना है? ये इसमें कोई कहने का, अम्मा आए हैं कर्नाटक में, कांग्रेस की जीत हुई है इस बार। ये कर्नाटक की मुद्दा नहीं, साढ़े यूट्यूब चैनल नू सब्सक्राइब करो।